पुष्पा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता मिली थी। इसके बाद अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता हिंदी भाषा क्षेत्रों में भी बढ़ गई। 8 अप्रैल को उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले पुष्पा 2 का पोस्टर रिलीज किया गया, जिसके बाद उनके फैंस के लिए फिल्म का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और उनके स्वैग के लोग दीवाने हैं। तो वहीं अब अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के ज़बरदस्त हिट होने के बाद अपनी फीस से सीधे दोगुना कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन से जुड़े सूत्र का कहना है कि पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन के लिए सारे बॉक्स ऑफिस समीकरण अब बदल गए हैं। वहीं पुष्पा 2 के टीजर को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। टीजर में दिखाया गया है कि पुष्पा जेल से फरार हो गए हैं और उसे पुलिस के 8 गोलियां लगी हैं। वीडियो में दिख रहा था कि हर कोई पुलिस पुष्पा को खोजते हुए नज़र आ रही हैं। इसके अलावा फिल्म के फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है, जिसमें अल्लू अर्जुन इस पोस्टर में खौफनाक अंदाज में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ है, लेकिन इसे अलग तरह से कैरी किया है। अल्लू अर्जुन ने हाथों में चूड़ियां और उंगलियों में हैवी रिंग पहनी रखी है। साथ ही अल्लू अर्जुन ने गले में फूल नींबू और किमाला और नाक में नथनी कैरी की हुई है। अल्लू अर्जुन इस पोस्टर में एक हाथ में बंदूक लिए और खौफनाक नज़र आ रहे हैं। फैंस और सिनेमा प्रेमी इस फिल्म के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के ज़बरदस्त हिट होने के बाद अपनी फीस सीधे दोगुनी कर दी है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा मुकाबले पुष्पा 2 के लिए दोगुना फीस ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को माने तो पुष्पा के मुकाबले पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने 85 करोड़ फीस ली है। यह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अब तक की सबसे अधिक रकम है।